डरता चोर है, रहमान चोर नहीं है, अपने नाम के जैसा ही ईमानदार है रहमान। लड़के मरे, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं, मैं बोलूंगा मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मर जाए आदमी ताकि इस तरह का दुर्दिन देखने को ना मिले। अगर डरते तो अभी बोलते आपके सामने बीपीएससी, जिससे आप एसडीएम पैदा करते हैं, डीएसपी पैदा करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पैदा करते हैं, उसका 150 क्वेश्चन आप पहले लिखो जाता है, तो अब बीएसएससी में लिखो गया। जितने भी आयोग है बिहार के, उस सारे आयोग सड़ चुके हैं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा प्रभु। बच्चे बिलख रहे हैं, 400-500 लड़के रोड पर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, रोड पर जाएंगे पिटा के चले आएंगे, रोड पर नहीं आए पिटा दीजिएगा, फिर मामला दब जाएगा, वही ढाक के तीन पात। इसलिए इस बार कार बार की लड़ाई हो, सीबीआई इसकी जांच करे और इस परीक्षा को रद्द करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन में बैठे, मैं तैयार हूं उनके साथ। आप भी बैठिएगा 100%। बार बार तोहमत सुनने से कि गुरुजी कुछ कीजिए, गुरुजी कुछ कीजिए, उससे अच्छा है कि धरना पर बैठ के आमरण अनशन करके मर जाए आदमी ताकि इस तरह का दुर्दिन देखने को ना मिले। बिहार में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। आपको बता दें कि बीपीएससी के बाद अब बीएसएससी का भी पेपर लीक हो गया है, अभी भी परीक्षा चल रहा है, लोग परीक्षा केंद्र बैठे हुए हैं लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं है, पेपर लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब सरकार के हाथ में कि जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या पेपर रद्द हो जाएगी या इसी पर उनका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे साथ पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान जी हैं। सर, पेपर लीक हो गया फिर से बिहार में कोई परीक्षा आप सुरक्षित है? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब बीपीएससी, जिससे आप एसडीएम पैदा करते हैं, डीएसपी पैदा करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी पैदा करते हैं, उसका 150 क्वेश्चन आप पहले लिखो जाता है, तो अब बीएसएससी में लिखो गया, 7 साल बाद वैकेंसी निकली थी, तो निश्चित रूप से अब कहा जाए तो जितने भी आयोग है बिहार के, उस सारे आयोग सड़ चुके हैं, अध्यक्ष और सचिव के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। लुई 14 याद आ रहा है हमको, मैं ही राज्य हूं जैसी अवधारणा इनके दिमाग में आ गई है कि मैं ही सब कुछ हूं। बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्वेश्चन लिख हुआ है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि ये इसको रद्द तो करें ही, साथ ही साथ दोषी को जितना भी अंदर बिल में घुस जाए उसको पकड़ के जेल के सलाख के अंदर पहुंचाए ताकि भविष्य में इस तरह गलती ना कर सके। होगा क्या इस पर, छात्रों के जीवन के साथ क्या होगा? कोई परीक्षा सुरक्षित नहीं है। खैर, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रयास करें, इसमें कोशिश करें, शराब बंदी के विरुद्ध कोशिश हुई तो शराब बंदी हुई कि नहीं, महिलाओं को 35% आरक्षण मिला कि नहीं, तो फिर ये जब बच्चों के साथ इस तरह का आघात हो रहा है तो हम लोग अपने राज्य के मुखिया उप मुखिया से ही ना डिमांड करेंगे, उनसे डिमांड कर रहे हैं और लड़कों से अपील करेंगे कि वो रोड पर नहीं आए पिटा दीजिएगा, फिर मामला दब जाएगा, वही ढाक के तीन पात। इसलिए इस बार कार बार की लड़ाई हो, सीबीआई इसकी जांच करे और इस परीक्षा को रद्द करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन में बैठे, आमरण अनशन में बैठना हमारे संविधानिक अधिकार है, मैं भी बच्चों के साथ हूं। कौन जिम्मेवार है पेपर लीक का? चोर, आयोग, अध्यक्ष, सचिव, माफिया, दलाल, सारे लोग जिम्मेवार हैं। यहाँ बिहार में इंटर का लीक हो रहा था, मैट्रिक का हो रहा था, बीपीएससी से सम्मानित परीक्षा का हो गया, अब इसका भी हो गया, तो अब जैसे गुरु रहमान दिन रात लग करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं, तो अब आप लोग नहीं लग रहा है कि मेहनत बेकार जा रहा है बिहार में? नहीं, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है। एक बार जरूरत है कि इस तरह की गुंडागर्दी होगी तो अब क्लियर हो गया माननीय मुख्यमंत्री और नीतीश और माननीय उप मुख्यमंत्री को भी कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए एक हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा प्रभु ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। बच्चे बिलख रहे हैं और उनकी उम्मीद केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है, दूसरा किसी पर नहीं। 8 साल के बाद परीक्षा आयोजित हुआ था फिर रद्द हो गया, तो अब क्या कहेंगे छात्रों में तो आक्रोश है काफी। आक्रोश करके रोड पर जाएंगे पिटा के चले आएंगे, अगर धरना ही अगर कुछ विरोधी करना है तो चलिए एक जगह गंगा किनारे बोले सरकार, गांधी मैदान बोले, हड़ताली मोड़ बोले, जहां बोले वहां पर आमरण अनशन करें, मैं तैयार हूं उनके साथ। आप भी बैठिएगा 100%। बार बार तोहमत सुनने से कि गुरुजी कुछ कीजिए, गुरुजी कुछ कीजिए, उससे अच्छा है कि धरना पर बैठ के आमरण सर करके मर जाए आदमी ताकि इस तरह का दुर्दिन देखने को ना मिले जो देखने को मिल रहा है बिहार के सामने। आप पूरे भारत में बिहार की इज्जत इस तरह से चौपट हो रही है। बिहार की तो इज्जत हो ही रही है और छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है, इसीलिए तो मैं आवाज उठा रहा हूँ। छात्रों का जीवन आबाद होता तो क्यों? बीपीएससी में जो लीक मामला हुआ था उसका भी जांच नहीं हुआ कुछ? कई बार बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूं हिंसा किसी भी चीज का विकल्प नहीं है।
आपको अहिंसात्मक गतिविधि से लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जंग बहुत पुराना है। इसके लिए 400-500 लड़के रोड पर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पुराने जंग को साफ करने के लिए आमरण अनशन एकमात्र विकल्प है, एकमात्र विकल्प है। लड़के मरे, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं आमरण अनशन करके, कब तक? जब तक पूरा सुधर नहीं जाए तब तक। इतने बड़े पैमाने का पेपर लीक हो रहा है तो इसमें सिर्फ दलाल लोग हैं या सरकार के भी कुछ लोगों का संरक्षण? देखिए, कौन, मैं महाभारत का संजय नहीं हूं, लेकिन तय है कि बिना अधिकारी, बिना नेता, बिना शिक्षा माफिया और बिना दलाल के मिले यह संभव नहीं कि क्वेश्चन चलावे 40 मिनट पहले बाहर। तो निश्चित रूप से इसमें लोग हैं शामिल जो चोर हैं, दलाल हैं, उसको पकड़ना सरकार का काम है। और इसीलिए मैं अब कह रहा हूं कि अगर ये तंत्र असफल हो गई है तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए इसकी जांच। सीबीआई से कम अब कोई चीज पर लड़कों को संतुष्टि नहीं। लेकिन पटना में कई शिक्षक हैं जो तैयारी कराते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु रहमान ही क्यों बोल रहे हैं इस मामले में? इसलिए कि दर्द बहुत खराब चीज है। मैं गुरु रहमान यूट्यूबर नहीं है, गुरु रहमान 1994 से पढ़ा रहा है और 1994 से आवाज उठा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अगर मैं नहीं बोलूं, पटना के सारे टीचर को तो एपीजे अब्दुल कलाम ने गुरु की उपाधि नहीं दी है, गुरु की उपाधि मुझे मिली है। और गुरु का मतलब होता है गुरु और शिष्य के बीच एक ऐसा रिश्ता जो माँ और बाप और बेटो और बेटी से जैसा रिश्ता होता है। तो दर्द मुझे हुई है, बाकी टीचर चिल्ला रहे कि नहीं चिल्ला रहे आई डोंट नो, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा क्योंकि मैं गुरु हूं और बच्चों के भविष्य को देखता हूं। मैं 11 रुपए में पढ़ाता हूं इसलिए गरीबी के मतलब को जानता हूं। मैंने हनुमान मंदिर में 1.5 महीना बाहर बैठ के मैंने खाना खाया है एक पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा होने के नाते, इसलिए गरीबी का दंश मैं जान सकता हूं कि गरीबी क्या है। मैं गरीब नहीं था, परिस्थिति ने गरीब बनाया और उस परिस्थिति में जिस गरीबी के स्तर को मैंने झेला है उस स्तर को मुझे इन बच्चों के चेहरे पर आती है जब बच्चे रोते हैं। तो निश्चित रूप मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मुझे फांसी पर लटका दीजिए, नहीं बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। सीबीआई का रेट वगैरह कुछ दिन पहले पड़ गया था, सीबीआई का रेट पकड़ने का बाद नहीं, ये इनकम टैक्स का रेट था और इनकम टैक्स से पता था दूध का दूध पानी का पानी 4 लाख रुपया तो सबके पास रहता है। भैया हमारा 4 लाख रुपया भी ले लिए, लेके चला गए, उस तो भी मिलना चाहिए। सबसे डरते हैं कि लड़िए अच्छा भैया, अगर डरते तो अभी बोलते आपके सामने, डरता चोर है, रहमान चोर नहीं है, अपने नाम के जैसा ही ईमानदार है रहमान। इन गिदर भपकियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये अस्वस्थ रहिए। इनकम टैक्स का रेट बड़ा जायद बात है, बच्चों को भीड़ देखे वो तो डेली रूटीन था और उससे उस सब चीज़ हमको डर नहीं लगता है। और बाकी रही बात की क्या करिएगा भाई, जिंदगी यश जीवन मृत्यु यश अपयश मान हानि ये सब तो ईश्वर के हाथ में है। तो जो पेपर हो रहा है आज भी पेपर चल रहा है, छात्र अंदर बैठे हैं, क्या लग रहा है कि लिख पाएंगे उन लोगों को? तो पहले ही डर हो गया कि पेपर लिखना चाहिए। नहीं नहीं, अगर क्वेश्चन लीक हो जाता तो आप लोग इतना एक्टिव हो गए हैं कि मामला सामने आ जाता है। जैसे कल का लीक हुआ 11:40 में ही चलाया, तो अगर आज लीक हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो बाद की चीज़ है, जब तक सामने नहीं आता उस पर कुछ बोलने का बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे परीक्षा दे रहे हो तो परीक्षा देंगे ही, परीक्षा में बैठ के करेंगे क्या, परीक्षा देंगे ही। लेकिन ये गलत हुआ है कल एक सीटिंग का जो लिखा है, बाकी का तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक सीटिंग वाला जब स्पष्ट हो गया तो ऐसी परिस्थिति में कड़े स्टेप की आवश्यकता है जो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के द्वारा ही। समय में दूर दराज से छात्र आ रहे हैं, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, स्टेशनों पर सो रहे हैं चटाई बिछा करके, जैसे तैसे रात काट के लोग परीक्षा दे रहे हैं, उसके बावजूद ये सब हो जा रहा है, तो सरकार की लापरवाही नहीं है इसमें? नया चीज नहीं ना भैया, हम लोग परीक्षा देते थे तो हम लोग जयपुर में सोते थे ठंडा के दिन में। स्टूडेंट बेचारा चाहे कल का हो या आज का हो बेचारा बेचारा ही है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को ध्यान देना ही होगा, देना चाहिए नहीं, सरकार को ध्यान देना ही होगा क्योंकि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री निश्चित रूप ध्यान देंगे क्योंकि बिहार के बच्चों पर उन पर उम्मीद है। आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक देखते वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।